डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सौभित अग्रवाल क्लासेस। आज का दिन काफ़ी अच्छा दिन है TGT PGT एस्पिरेंट्स के लिए। आज के जो समाचार पत्र में जो भी न्यूज़ है वो बता दूंगा। वैसे सबसे अच्छी न्यूज़ तो यही है कि जो PGT का जो इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हो गया है, मतलब PGT का रिजल्ट जारी हो चुका है। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उन सब की लिस्ट चैट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। जिसने नहीं चेक किया वो चेक कर लें जाके। चैट बोर्ड ने जारी किया PGT 2021 की परीक्षा का परिणाम। जैसे कि पहले मैंने वीडियो डाली थी कि पहले PGT का ही एग्ज़ाम क्लियर होगा, फिर उसके बाद TGT का होगा। और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है, क्योंकि जो TGT है वो अगर किसी का PGT TGT दोनों में सिलेक्शन हो गया होता है तो वो PGT को प्रेफरेंस देता है। तो इसी वजह से ये बहुत अच्छा हुआ कि पहले PGT पे बोर्ड सीरियस है। चैन बोर्ड ने जारी किया PGT 2021 की परीक्षा का परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने PGT 2021 की लिखित परीक्षा का परिणाम शुक्रवार देर रात चैन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया। यह परीक्षा 17-18 अगस्त को प्रदेश भर में सभी जिलों में कराई गई। 2595 पदों के लिए 4.70 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार लिखित परीक्षा के बाद विषयवार उत्तरमाला वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया। जो रिवाइज आंसर की है वो भी इसी के साथ आ गई। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी कि रिवाइज आंसर की इसी से रिलेटेड सबसे जो पिछले बार 2016 का विज्ञापन था तभी भी इन्होंने एक साथ ही किया था। बोर्ड ने रिवाइज आंसर की प्लस रिजल्ट सब एक साथ वो जारी करते हैं। इस पर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई थी, जिसका विषय विशेषज्ञों से निस्तारित होने के बाद लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। साथ ही अंतिम उत्तरमाला भी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। अब देखिए कौन कौन से विषय थे जिनका परिणाम घोषित किया गया। रसायन विज्ञान, भौतिक, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, तर्कशास्त्र, कला, गृह विज्ञान, सैन्य वादन, 12 विषयों का परिणाम घोषित किया गया है। अब कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं करी जाएगी। जो भी विषय रह गए हैं वो भी उम्मीद यह है कि आज हो जाना चाहिए। अब देखिए TET में NIOS DLED वालों को भी मौका मिलेगा। जो पत्राचार से DLED करते हैं या BTC करते हैं उन्हें भी अब बहुत ही अच्छा ये चांस है कि TET में उन्हें मौका मिलेगा और आगे आने वाली जो भर्ती हैं उन सब में उन्हें चांसेस मिलेगा। देख लीजिएगा क्या न्यूज है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में NIOS राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान से DLED करने वाले अभ्यर्थी को शामिल करने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने पूर्व में जो प्रस्ताव भेजा था उसमें NIOS DLED का जिक्र नहीं था। पटना हाईकोर्ट की जनवरी 2020 फैसले के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थी को TET शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। केंद्र सरकार ने निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए NIOS की ओर से DLED प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। UP में 1.5 लाख अभ्यर्थी ने DLED किया है। इसमें थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो और ज़्यादा टफ हो जाएगा। अक्टूबर से आवेदन संभव। 28 नवंबर को TET करने का प्रस्ताव है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। TET जिस जो फ्रेशर हैं अपना तैयारी करें, जिनका TET की तैयारी नहीं है वो TET की तैयारी करें, और जो इनके TET क्वालिफाइड है वो अपने सुपर टेट की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इलेक्शन से पहले उम्मीद यही है कि ये भर्ती क्लियर हो जाएगी। PCS विशेष भर्ती 2021 की मुख्य परीक्षा का परिणाम को चुनौती दे दी गई है। NBT ब्यूरो प्रयागराज की एक खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PCS विशेष भर्ती 2018 के मुख्य परीक्षा परिणाम व चयन परिणाम की वैधता को चुनौती दी। याचिका पर विपक्षी चयनित अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। हाईकोर्ट ने विपक्षियों से याचिका पर 6 हफ्तों में जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि केवल राज्य सरकार आयोग को सुनकर फैसला करना उचित नहीं होगा। याचिका में वैकल्पिक विषयों में स्केलिंग लागू न करने को चुनौती देते हुए नए सिरे से मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। UPSC के रिजल्ट में इस बार लगभग 30% जो बेटियां थी उन सब ने परचम लहराया। बहुत ही अच्छी बात है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी हुआ। देखिए परीक्षा 2021 इस बार उम्मीदवार सफल उम्मीदवारों में 30% जो हैं बेटियां हैं।
परीक्षा कुल 761 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया। पुरुषों की संख्या 545, 216 बेटियों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, अब महिलाएं भी बढ़ बढ़ के आगे आ रही हैं। देख लीजिएगा ये सारा जो डेटा दिया हुआ है, आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छा, मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को बधाई जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। हम सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। स्टे ट्यून्ड विद सोभित अग्रवाल क्लासेस, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें, लाइक करें, और जो ये बेल आइकन होता है, देखिए ये वाला जो बेल आइकन होता है, इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय।